देखो, कल अपन ने कोशिका के बारे में पढ़ा था, कोशिका का सामान्य परिचय पढ़ा था तथा कोशिका के अंगों के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कोशिका के अंगों के बारे में, केंद्रक के बारे में, केंद्रक के साथ आपने पढ़ा था राइबोसोम के बारे में, और राइबोसोम के साथ आपने पढ़ा था लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, अब देखो इनके बारे में अगर हम एक बार दोबारा से थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। केंद्रक में सबसे पहले आपको बताया था खोजकर्ता, खोजकर्ता किसको कहा जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को कहा जाता है। राइबोसोम के अगर खोजकर्ता देखें तो किसको कहते हैं, बेलाडे को। आपको ट्रिक बताई थी इसके लिए कि प्रोटीन पिला दे, अर्थात ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, और इसके खोजकर्ता कौन है, बेलाडे। ठीक है, लाइसोसोम में बताया था कि लाइसो वर्ड का अर्थ क्या होता है, लाइसो का अर्थ क्या होता है, नष्ट करना। लाइसो का अर्थ क्या होता है, नष्ट करना। तो ये लाइसोसोम क्या करता है, खुद तो नष्ट होता है, साथ में कोशिका को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अर्थात खुद तो डूबा, साथ में किसको भी ले डूबा, कोशिका को। तो खोजकर्ता क्या हो गए इसके, बताया था आपको ठीक, डी ड्यूवे। तो खोजकर्ता कौन होंगे इसके, डी ड्यूवे हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करेगा, भोजन का पाचन करेगा। ठीक है, तो ये तो आपको इनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन बताया था। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट ऑर्गन देखें तो चौथा कोशिका का अंग आता है माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा अंग कौन सा आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में सूत्रकणिका भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, सूत्रकणिका। अब एक चीज याद रखना, इसका हिंदी नेम कभी भी नहीं पूछा जाता है, इसका आपको नाम केवल क्या याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है। अब सबसे पहली चीज आपको वही स्टार्टिंग में बताई थी कि साइंटिस्ट के नाम में थोड़ी कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो पहले इसकी देखो संरचना याद रखना, ये अपन इसको थोड़ा उल्टा बना रहे हैं। ये अंग्रेजी का कौन सा अक्षर है, सी अक्षर है। सी कैसा है, मोड़ा हुआ, और मोड़े हुए को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बैंड कहा जाता है। मोड़े हुए को क्या कहा जाता है, बैंड कहा जाता है। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, ये किसकी संरचना है, एक माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। अब आपने देखी संरचना सी से बनी हुई है, और सी कैसा है, मुड़ा हुआ। तो देखो अपने मुड़े हुए को इंग्लिश में क्या कहा, बैंड कहा। तो इसका नाम जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दिया था सी बैंडा ने। किसने दिया था, सी बैंडा ने। देखो विज्ञान का सबसे प्यारा नाम क्या है, सी बैंडा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, सी बेंडा ने दिया था। ठीक है, अब भावनाओं में ज्यादा नहीं बहना है। ठीक है, अब अगर इसके खोजकर्ता देखें अपन, ये केवल क्या है, जिसने क्या नाम दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। ठीक है, अगर इसका खोजकर्ता देखा जाए तो खोजकर्ता इसका माना जाता है एक अल्टमान नाम के वैज्ञानिक को। खोजकर्ता किसको माना जाता है, अल्टमान को। नाम किसने दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, सी बेंडा ने। ठीक है, अब अल्टमान ने देखो इसको खोजा तो है, जब नाम सी बेंडा ने दिया है तो सीधा है अल्टमान ने भी इसे कुछ कहा होगा। अगर हम अल्टमान को देखें तो अल्टमान ने इसको कहा था बायो प्लास्ट। तो सीधा अपन ये कह सकते हैं कि अल्टमान ने किसकी खोज की है, बायोप्लास्ट की, जिसको बाद में सी बेंडा ने क्या कहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा है। ठीक है, अब अगर हम इसके कार्य देखें, किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के, तो ये कोशिका के अंदर कार्य करता है श्वसन का। क्या काम करता है ये, श्वसन, अर्थात रेस्पिरेशन का कार्य कौन सा करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, पहले तो श्वसन क्यों करता है कोई भी जीव, जीवित रहने के लिए। अब ये बताओ श्वसन कहेंगे किसको, क्या प्रक्रिया कहलाएगी श्वसन, ये नहीं कि गैसों को केवल ग्रहण करना और छोड़ना, ये तो निर्जीवों में भी संभव है। एक गुब्बारा है कोई, गुब्बारे के अंदर हम गैस को भरे और उससे बाहर गैस निकल रही हो, तो वो भी तो गैस का आदान प्रदान कर सकते हैं हम, तो वो श्वसन नहीं कहलाएगा, वो केवल ब्रीदिंग कहलाएगी, जिसको संवातन या श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। देखो श्वसन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया। अब देखो इसके लिए एक चीज याद रखना, श्वसन क्या है, परिभाषा देखो बिल्कुल सिंपल है। अब ये याद रखना, भोजन क्यों करते हैं हम, क्या प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा। अब देखो कोई भी भोजन है, ठीक है, कोई भी क्या है, फूड है, उस फूड का हम करेंगे ऑक्सीकरण। क्या करेंगे, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब इस ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगी,
ऊर्जा, ये पूरी किसकी परिभाषा हो गई, श्वसन की। अब एग्जाम में आपको ये कहीं भी परिभाषा पूछेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, ऑप्शनल आएंगे, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि श्वसन कैसी प्रक्रिया है, तो याद रखना श्वसन कैसी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण, जिसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो श्वसन क्या है, भोजन के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करना। भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है, श्वसन। और कोशिका में श्वसन कौन कर रहा है, शाबाश, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। तो कोशिका को ऊर्जा कौन प्रदान करेगा, शाबाश, यानी ये कोशिका को क्या कार्य करता है, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। अब जो ऊर्जा प्रदान कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम कोशिका का क्या कह सकते हैं, ऊर्जा घर कह सकते हैं या नहीं, बोलो। तो इसको कोशिका का पावर हाउस अर्थात ऊर्जा घर क्या कहा जा सकता है, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन कि कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा, क्योंकि ये श्वसन के द्वारा क्या प्रदान करेगा, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करेगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इससे संबंधित, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। अब एक पॉइंट आता है कोशिका के अंदर, अपन ने एक सबसे बड़ा अंग पढ़ा था, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा बताया था, शाबाश, केंद्रक बताया था अपन ने। केंद्रक यहां पर केवल उसका परिचय पढ़ा था, उसकी पूरी डिटेल अपन जेनेटिक्स टॉपिक में पढ़ेंगे, आनुवंशिकी में, ठीक है। तो केंद्रक के अंदर कोशिका का क्या पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ अर्थात जेनेटिक मेटीरियल। अब वो केंद्रक में तो होता है, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा अंग है जिसमें खुद का क्या पाया जाता है, डीएनए। क्या होगा, स्वयं का, सेल्फ डीएनए प्रेजेंट किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एक ही चीज याद रखना, जिसमें खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा, आनुवंशिक पदार्थ होगा, वो अपना निर्माण खुद ही क्या कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोशिका की भी कोशिका किसको कहा जाता है, तो कोशिका की कोशिका किस अंग को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। सेल ऑफ, सेल के नाम से किस ऑर्गन को जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, ठीक है। ये ज्यादातर फैक्ट आपने पढ़ा होगा कि पावर हाउस किसको कहते हैं। मेन फैक्ट अभी ये याद रख लेना कि कोशिका की कोशिका के नाम से, सेल ऑफ सेल के नाम से किस अंग को जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। अब एक और पॉइंट इससे संबंधित देखो, एक चीज याद रखना, जो सबसे बड़ा अंग होगा उसके ऊपर झिल्लियां, मेम्ब्रेन कितनी होंगी, दो। छोटा अंग है तो झिल्ली एक। अब ये बताओ, अब सबसे छोटा है तो उस पर झिल्ली, बोलो, अनुपस्थित होगी। बड़े अंग है तो झिल्ली दो पाई जा रही है, डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली है। और अंग अगर छोटा है तो झिल्ली क्या होगी, एक, और सबसे छोटा है तो झिल्ली अनुपस्थित। अब आप बताओ, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी बड़ा अंग है, केंद्रक भी कैसा है, बड़ा अंग है, तो दोनों पर झिल्ली बताओ कितनी कितनी होंगी, शाबाश। तो केंद्रक भी दोहरी झिल्ली युक्त अंग है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन, ठीक है। कैसा है, दोहरी झिल्ली युक्त अंग, अर्थात इस पर मेम्ब्रेन के कितनी होती हैं, डबल पाई जाती है, ठीक है। अब ये बताओ, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि झिल्ली रहित अंग, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन, ठीक है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन अर्थात झिल्ली रहित अंग किसको कहा जाता है, तो झिल्ली रहित अंग अपन उसको कहेंगे, आपको बताया था सबसे छोटा अंग जो होगा उस पर झिल्ली नहीं होगी। और सबसे छोटा अंग कौन सा है बताओ, शाबाश, कल बताया था कि सबसे बड़े अंग में सबसे छोटा अंग बनता है, ठीक है, यानी केंद्रक के अंदर ही राइबोसोम बनता है जो सबसे छोटा है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, झिल्ली रहित अंग किसको कहा जाता है, राइबोसोम को झिल्ली रहित अंग कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम को हम किस नाम से जानते हैं, झिल्ली रहित अंग के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम छोटा अंग है तो झिल्ली एक हो जाएगी। तो अब ये मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। सबसे पहली चीज, नाम बताया था आपको किसने दिया, जैसा खुद है ऐसा ही नाम देने वाला था इसका, बैंड है सी के आकार का है तो सी बैंडा ने नाम दिया।
खोज किसने की थी? अल्टमान ने, जिन्होंने इसे क्या कहा था? बायोप्लास्ट कहा था। इसके बाद ये क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। किस विधि से? श्वसन के द्वारा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है। खुद का डीएनए है इसलिए अपनी संख्या बढ़ा सकता है, तो कोशिका की क्या कहा जाता है इसको? कोशिका। और इसकी संख्या होती है एक कोशिका के अंदर 50 से लेकर 5000 तक। ठीक है, एक कोशिका में मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होगी? 50 से लेकर 5000 तक पाई जाती है। ठीक है, वैसे अगर इसकी संरचना के पार्ट देखें, जो ये अंगुली जैसी संरचनाएं है ना, इसको तो क्या कहा जाता है? क्रिस्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टि। और जो इसके अंदर लिक्विड जैसा फ्लूइड पाया जाता है इसको मैट्रिक्स कह देते हैं, लेकिन ये ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, आपके लिए पॉइंट याद रखना। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या बताई? नाम दिया उसके बाद सीमेंडा ने, इसके अलावा खोज अल्टमान ने, पावर हाउस कहते हैं, सेल ऑफ सेल भी कहा जाता है, और संख्या कितनी है? 50 से 5000 तक होती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जनरल क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसने में। ठीक है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक, लाइसोसोम और राइबोसोम के बारे में फैक्ट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन देखो कौन सा आता है। नेक्स्ट ऑर्गन आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसको कह दिया जाता है हिंदी में गोल्जी काय। ठीक है, इससे एक या दो फैक्ट आते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो देखो वही साइंटिस्ट के नाम। अब साइंटिस्ट के नाम इसमें तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो गोल्जी साइंटिस्ट का नाम है, केवल एक वर्ड और दो जोड़ देना है इसके आगे, केमिलो। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम क्या हो गया? केमिलो गोल्जी। तो ये तो नाम से मिलता जुलता ही हो गया एक प्रकार से। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी?